हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। आपको मैं तो बता दूं दोस्तों, जो आपके फॉर्म निकाले गए थे यूपीएससी सेंट्रल मतलब सीएपीएम में, उसकी जो है कनेक्शन डेट आ चुकी है। कैसे आप इस फॉर्म को जो है ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया जाएगा। 506 पोस्ट आपकी निकाली गई थी, इसमें देख सकते हैं, जिसमें आपके बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी वगैरह ये सारी पोस्ट आपकी रखी गई थी। और इसमें 26/4/2024-23 से लेके और 14/5/2000 यहाँ पे ये डेट रखी गई थी आपकी लास्ट डेट। अब जो कनेक्शन डेट आपकी रखी गई है वो दोस्तों रखी गई है 15 से लेकर 21 मई तक। आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी ठीक कर सकते हैं। अब ठीक कैसे करेंगे वो आप थोड़ा समझिए। 200 रुपये फीस थी आपकी इसकी, मैं जनरल ओबीसी की, एसएसटी की 0 बैलेंस थी इसकी। जिसने भी ये फॉर्म भरा था उसके लिए वीडियो होने वाली है, और जिसके ने ये फॉर्म नहीं भरा है वो जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए एक दूसरे के साथ, जो उन्हें पता चल सके अपना कनेक्शन के फॉर्म के बारे में। अब नीचे आएंगे, नीचे आप हाइट वगैरह भी देख सकते हैं कितनी रखी गई थी इसमें। यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई का बटन, इसके सामने क्लिक करें, आप इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है, अपना फॉर्म आप ईमेल आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से, ओटीआर से, और कैप्चर डालें और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। अब आपको लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे सारा दिखा रहा है, यहाँ पे ओटीआर नंबर वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कहाँ से मिलेगा अपना फॉर्म कनेक्शन करने के लिए, मतलब एडिट करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लास्ट नोटिफिकेशन। अगर आपका अपना फॉर्म का प्रिंट कर लेना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आप जाओगे, तो यहाँ पे जितने भी आपने फॉर्म फिल करे हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। नीचे आएगा, सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सीपीएफ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, एडिट पार्ट भाग एक एडिट करें, तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं, आपको नाम में कनेक्शन करने की अनुमति नहीं है, मेल ये आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम चेंज आप नहीं कर सकते, अपने मोबाइल नंबर आप चेंज कर नहीं कर सकते, ईमेल आईडी नहीं कर सकते। बाकी आप नीचे आओगे तो नीचे आप देख सकते हैं ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नेशनलिटी आप चेंज कर सकते हैं, मैरिड है इन मैरिड है वो आप चेंज कर सकते हैं, जाति आप चेंज कर सकते हैं अपनी जो भी जाति है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है जो आपने भरी थी वो भी आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, पिन कोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको ठीक लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, कुछ नहीं अगर आपको कुछ नहीं चेंज करना है तो देख लीजिए, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यस करिए, नहीं तो नो। उसके बाद आपको अपनी आईडी में भी कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो ऐसे ही रहने देगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका प्रिंट का प्रीव्यू आ जाता है, एक बार आप चेक कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, कोई भी गलती नहीं है आपके फॉर्म में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर लगेगा कोई गलती हो चुकी है तो यहाँ पे अपडेट का बटन का ऑप्शन मिल रहा है, आप अपडेट वाले क्लिप मतलब अपडेट वाले पे क्लिक करके फॉर्म में सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है मैं सहमत हूँ, आई एग्री। तो दोस्तों देख सकते हैं पार्ट वन में आपके जो भी कनेक्शन होना है वो आप कनेक्शन कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने बता दिया है। और बाकी इसमें कोई और चीज़ जो है कनेक्शन करने की अनुमति नहीं मिलती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू अपडेट पार्ट वन, आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने बाद जो भी आपका कनेक्शन हुआ है वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कनेक्शन डेट है और कनेक्शन आपका हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लास्ट नोटिफिकेशन में जाके, तो सबसे नीचे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर सब कुछ आपका फिर से ओपन हो रहा है। तो अभी भी आप करना चाहते हैं तो दोबारा से भी आप कर सकते हैं। तो कनेक्शन मैंने बता दिया है कैसे कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए जिससे आने वाली वीडियो और भी अच्छी बना के ला सको आप सबके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।